दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि भाई, इस वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उभरते हुए नए पैन इंडिया सुपरस्टार यानी कि भैया अल्लू अर्जुन की फिल्म यानी कि अला वैकुंठपुरम उल्लू के साथ जो हो रहा है ना, उसको देखने के बाद भाई दिल टोटली व्यथित हो गया है, दुखी हो गया है और ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि भाई इस फिल्म को लेकर इतना भैया घाल मेल क्यों है। भाई इस फिल्म को लेकर जितने अपडेट हम लोग के सामने आ रहे हैं ना, उसको देखने के बाद तो भैया दिमाग का ना टोटली भेजा फ्राई हो गया मेरे भाई। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अला वैकुंठपुरम उल्लू को लेकर कुछ ही दिन पहले हम लोग के सामने ये जानकारी आई थी कि भाई इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा सिनेमा घरों में। कब? तो भैया 26 जनवरी को, यानी कि भैया 26 जनवरी को यह फिल्म सिनेमा घर में आने वाली थी और उसका एक टीजर भी जारी किया गया था गोल्ड माइन की तरफ से। यानी कि भैया मनीष शाह ने खुद इस फिल्म को लेकर यह अनाउंसमेंट किया था कि वो इस फिल्म को अब सीधा सिनेमा घर में रिलीज करेंगे। और इस फिल्म को लेकर यह जानकारी भी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया कल इस फिल्म का, यानी कि भैया जो कल बीत चुका है, यानी कि 20 तारीख को इस फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च होने वाला था और कल हम सभी लोग मिलकर भैया इंतजार करे थे अला वैकुंठपुरम उल्लू के भैया ट्रेलर का, लेकिन कल ट्रेलर आएगा नहीं। और उसी के साथ ही एक खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी से वायरल हुई कि भाई ये फिल्म अब सिनेमा घर में रिलीज नहीं होगी। तो भैया कल से ही लेकर इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार काफी गर्म था। सुबह मैंने भी इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल की तो मुझे यही बात पता चली कि भैया ये जो खबरें हैं वो बस रूमर है। लेकिन भाई शाम होते होते, यानी कि भैया मैंने अपने न्यूज में ये बात आप लोगों से कही थी कि भैया ऑफिशियली अनाउंसमेंट का इंतजार कीजिए, अगर भैया मेकर्स की तरफ से या फिर कहें भैया मनीष शाह की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि वो इस फिल्म को सिनेमा घर में नहीं ला रहे हैं, तब जाकर हम मानेंगे कि भैया ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज नहीं होगी। और भैया शाम तक हम लोगों के सामने एक पीला पर्चा आ जाता, यानी कि भैया हम सभी के हाथों में सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि ट्विटर के माध्यम से एक पीला पर्चा थमा दिया जाता है, जिसमें ये बात बताई जाती है कि मनीष शाह ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो इस फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज नहीं करेंगे। ये खबर आ गई हम लोगों के सामने। और भैया जैसे ही ये खबर हम लोगों के सामने आई कि भैया अल्लू अर्जुन के जो दीवाने हैं भैया हिंदी बेल्ट में, वो काफी मायूस हो गए, नाराज हो गए, खफा हो गए इस बात के लिए कि भैया आखिर में ऐसा क्या हो गया कि जिस फिल्म की घोषणा इतने तामझाम के साथ की गई थी, जिसका इंतजार हम सब बहुत ही बेताबी से कर रहे थे, उसको अचानक ही पोस्टपोन क्यों कर दिया गया, उसे क्यों हटा लिया गया। और इसी के साथ ही भैया खबरों का बाजार गर्म होने लगा। कुछ लोग तो भैया कहने लगे कि भैया गोल्ड माइंड के जो यूट्यूब वाला जो चैनल है ना, उसको अनसब्सक्राइब करो, यानी कि भैया लोग नाराज हो गए गोल्ड माइंड से। और भैया अभी ये सारी चीजें चल ही रही थी कि इतने ही देर में गोल्ड माइंड के ट्विटर अकाउंट का जो बैनर है वो चेंज हो जाता है। और उस बैनर पर लिखा क्या रहता है? तो भैया वो लिखा रहता है ये कि भैया ए बिग अनाउंसमेंट ऑफ हिंदी डब ऑफ अला वैकुंठपुरम उल्लू टुमोरो स्टे ट्यून, यानी कि भैया कल इस फिल्म पर, यानी कि भैया अला वैकुंठपुरम उल्लू के हिंदी वाले डब वर्जन पर कल बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। और उसी के साथ ही भैया गोल्ड माइंड्स के इस ट्विटर हैंडल अकाउंट पर ना एक पोस्ट शेयर किया जाता है। ये पोस्ट किसके माध्यम से किया गया है? तो भाई ये पोस्ट किया गया है बॉलीवुड के जाने माने ट्रेड एनालिसिस्ट, मतलब कि भैया तरण आदर्श की तरफ से, जिसमें हम देख रहे हैं कि वो अल्लू अर्जुन का एक फोटो डाल रखे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं अल्लू अर्जुन जो है वो एक डेस्क पर लेटे हुए हैं और उनके हाथ में एक माइक है। और ये फोटो दिखाते हुए मतलब कि तरण आदर्श ने एक सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई कल अल्लू अर्जुन अपनी इस फिल्म को लेकर बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं। और उसी के साथ ही एक और नया फोटो इसके साथ पोस्ट किया गया था, जिसमें ये बात लिखी गई, जिसमें हम देख रहे हैं कि पूजा हेगड़े भी नजर आ रही है और अल्लू अर्जुन जो है वो अपने स्टाइलिस्ट अवतार में नजर आ रहे हैं। उसमें ये बात लिखी हुई है कि भैया कल इस फिल्म को लेकर, यानी कि हिंदी वाले डब वर्जन को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो भाई अभी भी कहानी में ना मतलब कि ट्विस्ट मेरे बाकी है मेरे भाई, मतलब कि वो शाहरुख खान का वो डायलॉग है ना कि अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो अब कल तक इस पिक्चर को लिए, मतलब इस पिक्चर के लिए हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा कि भैया अभी और हमें क्या क्या पिक्चर देखना पड़ेगा। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म का कितनी बेताबी से इंतजार करें, क्योंकि भैया अगर कल इस फिल्म को लेकर कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है तो हमें यही लगता है कि भैया हो सकता है कि इस फिल्म को लेकर यह घोषणा की जाए कि भैया भले ही इस फिल्म को सिनेमा घर में नहीं रिलीज किया जा रहा, लेकिन यह फिल्म हो सकता है कि लॉन्च हो जाए भाई यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे या फिर टेलीविजन चैनल्स पे, या फिर इसका हिंदी वर्जन जो है वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के हाथों सेल आउट कर दिया जाए। तो भाई कल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी इस फिल्म को लेकर
भैया खाली ना खबरें फैलाई जा रही, खबरें फैलाई जा रही हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारेंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।